जय जिनेन्द्र मेरे साधर्मी भाइयों, बुंदेलखंड की जिन मंदिरों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ऐसे ग्राम में लेके आया हूं जिसे हम इस सागर जिले में परसौन के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान का भव्य जिनालय इस परसौन ग्राम में। मैं आपके लिए बता दूं, आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिवस है। आज के दिन ही हमारे पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष को पधारे थे। उसी दिन इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परसौन ग्राम में मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज हम यहां पर भक्ति पूजन करेंगे और आपके लिए जिन मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परसौन ग्राम में, आइए मेरे साथ। तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। मेरे साधर्मी भाइयों, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के पूर्व इस परसौन ग्राम की मैं आपके लिए लोकेशन दे दूं। ये गांव कहां पर है? सागर के निवासी भी इस गांव के नाम को नहीं जानते, तो भारतवर्ष के लोग कैसे जानेंगे? आज मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए बता दूं, हम खड़े हुए हैं बुंदेलखंड के एक सागर नगर का एक जिला है और उस जिले में यह परसौन नाम का गांव है। सागर से करीब 64 किलोमीटर, खुरई से करीब 15 किलोमीटर और खिमलासा से करीब 15 किलोमीटर यह ग्राम पड़ता है, जिसे हम परसौन के नाम से जानते हैं। और यहां पर पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह विराजमान है, आप देख सकते हैं। चलते हैं पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए इस परसौन ग्राम में, आइए मेरे साथ। फूलों में सुगंध जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध जैसे कलियों में है रंग, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। नदियों में है गंगा जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा जैसे नभ में सोहे चंदा, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारस
पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान इस परसोन ग्राम में विराजमान है। ये छोटा सा ग्राम हमारे सागर जिले के खुरई तहसील के अंदर आता है। ज्यादा जनसंख्या तो नहीं है और मैं आपके लिए बता दूं यहां एक भी घर की जैन समाज नहीं है। अभी आपने जो इतने श्रद्धालु लोग यहां दर्शन भक्ति पूजन करते हुए देखा है ये सब यहाँ के आसपास के निवासी हैं जो कि बरोदिया मालथोन खुरई सागर में रहते हैं। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिन है। सभी लोग निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए इस मंदिर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऐसी महिमा। एक चीज मैं आपके लिए और बता दूं, यहाँ के जो पुराने लोग हैं जो यहाँ रहते थे वो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। हमारे भैया जी हैं अध्यक्ष जी यहाँ के मंदिर के, मालथोन में रहते हैं। मैं भैया जी के साथ कुछ प्रश्न करना चाहूंगा इस मंदिर इस जिनालय के बारे में। भैया जी जय जिनालय। भैया जी पार्श्वनाथ भगवान के साथ साथ और कौन कौन सी प्रतिमाएं विराजमान हैं? यहाँ पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है। हाँ। साथ में तीन दो वेदियां और हैं। हाँ। दोनों वेदियों के अलग अलग मूल नायक है। हाँ। नाथ भगवान है। अच्छा। और एक पर नेमिनाथ भगवान विराजमान है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे जैन समाज नहीं है, एक घर है शायद, एक घर है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से लोगों का पलायन करने का कारण जानना है कि लोग इतने भव्य जिनालय को ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को क्यों छोड़ के चले गए यहाँ से? यहाँ पर छोड़ने का विशेष कोई आशय तो समझ में नहीं आता। हाँ हाँ। लेकिन पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण। अच्छा। और समाज के लोग चूंकि बुद्धिजीवी होती है और अपनी तरक्की चाहने के कारण। हाँ हाँ। ज्यादा बाहर गए। अच्छा। और यहाँ पर थोड़ा अन्य समाज का प्रभुत्व भी ज्यादा रहा। अच्छा अच्छा। कुछ और लोग से प्रताड़ित होकर भी यहाँ पर यहाँ से छोड़ के यहाँ के समाज लोग। अच्छा अच्छा। और कभी ऐसा भाव नहीं आया कि हम इस जिन मंदिर को कहीं और स्थायी कर दें या यहाँ से ले जाके? यहाँ से जिन मंदिर को ले जाना, बाहर ले जाना सोचना भी। हाँ। जिनने सोचा है उनने बहुत कुछ उठाया खोया भी है अपना। अच्छा। ऐसा यहाँ का अच्छा है। हाँ हाँ। ऐसा परसों नाम से ही विदित होता है कि पार्श्वनाथ भगवान का ही नाम। बिल्कुल बिल्कुल। परसों और पार्श्वनाथ में कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ। तो ऐसी भगवान की कृपा है। यहाँ पर जैन तो पूजा करते ही है। हाँ। यहाँ पर पूरी अजैन समाज भी। अच्छा। यहाँ से बगैर नतमस्तक भी मंदिर के सामने से निकलते नहीं। आप सुन सकते हैं अभी 15 से 20 दिन पहले मैंने आपचंद दिगंबर जैन मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कराए थे, जिसे हम पार्श्वगिरी के नाम से जानते हैं। वहां पर भी हमारे पार्श्वनाथ भगवान की जिन प्रतिमा की पूजन अजैन बच्चे कर रहे थे आपने देखा था, और यहाँ पर भी भैया बता रहे हैं कि इस पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ पूजन भक्ति भी अजैन लोग भी आकर करते हैं। आप देख सकते हैं इस परसोन ग्राम की महिमा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। में है मोती जैसे दीपक की है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती जैसे दीपक की है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती जैसे दीपक की है ज्योति, जर्रे जर्रे में बसा है पारसनाथ रे, जर्रे जर्रे में बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया। बोलिए अरहनाथ भगवान की जय। आप देख सकते हैं अरहनाथ भगवान हमारे सामने विराजमान है। अभी इसके पहले मैंने आपको मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कराए थे। उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के बाई तरफ अरहनाथ भगवान की वेदी है और साथ साथ में दो प्रतिमाएं और विराजमान है। मैं आपके लिए यहाँ के पूर्व निवासी करीब 20 से 30 साल वर्ष पूर्व
जो यहाँ निवास करते थे, भैया जी मेरे साथ में हैं। थोड़ा सा मैं उनका परिचय भी चाहूंगा और साथ में इस विधि के बारे में भी जानकारी चाहूंगा। भैया जी, मैं दिनेश कुमार जैन, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, वर्तमान नबीना में निवास करता हूँ और समय समय पर जैसे समय मिलता है तो मैं यहाँ आता रहता हूँ मंदिर की पूजा अर्चना के साथ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप ही सिर्फ आते हैं कि बीना में जो और भी जैन समाज है अदर, जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है लेकिन एक परसों ग्राम पार्श्वनाथ भगवान से प्रसिद्ध है, तो वो भी आते हैं क्या दर्शन? कभी कभी हमारे मित्र वगैरह भी ऐसे आए थे। अच्छा, लोग आए हुए थे। अच्छा, कभी कभी जैसे समय मिलता है तो हम उनसे बोलते हैं तो वो लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की भक्ति के लिए हिसाब से आते हैं। बीच बीच में महीने, दो महीने में, चार महीने में समय मिलता है। अच्छा, मंडली वगैरह आती रहती है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर दो प्रतिमाएं और है, थोड़ा सा उनका परिचय। एक भगवान यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है। बिल्कुल, और दूसरे का चंद्र प्रभु भगवान विराजमान है। अच्छा, मुल्ला हरनाथ जी है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी दिगंबर जैन समाज से ये कहना चाहूंगा, आप कहीं भी रहें देश या विदेश, लेकिन आप अपने मूल ग्राम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर हमारे पूर्वजनों ने बड़ी श्रद्धा से बनाया है। ऐसी श्रद्धा जो उन्होंने ये सोचा कि हम जीवन पर्यंत इस मंदिर की देखभाल करेंगे और हम यहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ाई के लिए, व्यापार आदि के लिए दूसरे शहरों में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन आप सोचिए, अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो ये जैन मंदिर हमेशा के लिए खाली हो जाएंगे और हम नए नए जैन मंदिर बनाते रहेंगे, उससे क्या फायदा है। इसलिए मैं समस्त दिगंबर जैन समाज से निवेदन करता हूं, आप कहीं भी रहिए लेकिन अपना जो मूल निवास है और वहां पर जो जैन प्रतिमाएं हैं उनको कभी ना भूलिए। बोलिए रघुनाथ भगवान की जय। फूलों में सुगंध जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध जैसे कलियों में है रंग, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। बोली नैमिनाथ भगवान की जय। आप देख सकते हैं पारसनाथ भगवान के बाजू में नैमिनाथ भगवान की तीसरी वेदी विराजमान है दाईं तरफ। इस छोटे से ग्राम में जहां पर जैन समाज बिल्कुल भी नहीं है और तीन वेदियां बनी हुई है और आपने श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर देखा ही है। अभी जो अरेनाथ भगवान की वेदी पर भैया जी ने जो अपना परिचय दिया था, उन्हीं के छोटे भाई हमारे साथ में है, थोड़ा सा भैया इस वेदी के बारे में बताएंगे। जी भैया जी, भैया ये वेली वेदी है नैमिनाथ भगवान की। हाँ हाँ, पीछे नीचे पाशा भगवान विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी प्राचीन प्रतिमा जी है। हाँ, मुझे ये बताइए, अभी लोग बता रहे थे लगभग यह है जिनालय 650 वर्ष पुराना है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, हम ये जब वर्ष सुनते हैं 200, 300, 400, 600, 800, तो हमें ये महिमा आती है कि आज से 500-700 वर्ष पूर्व ये हमारे ग्राम कैसे जैन समाज से भरे हुए थे, लेकिन आज काल के अभाव में, एजुकेशन के, व्यापार आदि की वजह से ये जैन मंदिर खाली होते जा रहे हैं। और मैंने यह प्रण लिया है, जैसे मैं इन मंदिरों के दर्शन कर रहा हूं गांव में आ आकर और समस्त दिगंबर जैन समाज को भी करा रहा हूं, अब आप लोगों से ये अनुरोध है, आप अपने ग्राम पर जाइए, इसी प्रकार की वीडियो बनाइए, अपने मंदिरों को दिखाइए और लोगों को वहां पर उस मंदिरों में लेके आइए। बोलिए नैमिनाथ भगवान की जय। सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सो है चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सो है चंदा, जैसे
तेरे नदियों में है गंगा जैसे। ये थे हमारे पार्श्वनाथ भगवान और परसवन ग्राम जिसकी महिमा आपने सुनी। आपने देखा कैसे दिगंबर जैन श्रद्धालु संडे को पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण लाड़ू के दिन या कभी भी किसी भी भगवान के कल्याणक के दिन यहाँ आके जिन मंदिरों के दर्शन और जिन भक्ति करते हैं, ऐसी ही श्रद्धा हमारे जैनी भाइयों को लिए इन मंदिर से जोड़ी रखती है जहां पर जैन समाज बिल्कुल भी नहीं है। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज से यह अनुरोध करता हूं, आप अपने गांव को कभी ना भूलें और अपने जिन बिंब को कभी ना भूलें। आप अपने सापरिवार नगर वासियों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस बुंदेलखंड की धरा परसवन ग्राम में जरूर आइए और यहां पर जिन मंदिरों के दर्शन कीजिए। ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं विराम लेता हूं। आपको इन जिन मंदिरों के दर्शन करने का बहुत ही पुण्य लाभ मिले, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। जय जिनेंद्र। सांसों में समाया।